हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक की रेसिपी लाई हूँ। मेवा पाक यानी ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। इस मिक्सर से अगर आपको लड्डू बनाना हो तो आप लड्डू भी बना सकते हो। इसे आप किसी भी व्रत में या प्रसाद में बनाना हो तो ये बड़ी आसान रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक कढ़ाई को गैस पर रख दें और उसमें 1/4 कप घी डाल देंगे। घी जैसे मेल्ट हो जाए उसमें बादाम डालें, तो यहाँ पर मैं 1/3 कप बादाम लें। बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करे वरना ये कड़वा हो जाएगा। बस हल्के से 3 से 4 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। सारे बादाम को निकाल के एक प्लेट में रख दें। इसी तरह 1/3 कप काजू डालें। यहाँ पर मैं बड़े पीसेस वाले काजू ले रही हूँ, अगर आपके पास टुकड़े वाले काजू हो तो वो भी आप डाल सकते हो। काजू को भी अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए काजू भी रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी प्लेट में निकाल दें। अब इसी घी में मखाने रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1/2 कप मखाना ले रही हूँ। मखाने को रोस्ट करने के पहले उसे अच्छे से साफ कर दें और सारे मखाने इसके अंदर डाल दें। इसे भी स्लो फ्लेम पर रोस्ट करें जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे रोस्ट करने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए सारा घी भी अब्सॉर्ब हो चुका है। मखाने को एक तोड़ के देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। बस इसे निकाल दें। इसी तरह काजू, बादाम और मखाने को हल्का सा ठंडा करें। इसे हम अलग प्लेट में रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना घी डालें। इसी में 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज, 1/3 कप किशमिश, 1/3 कप खिसा हुआ सूखा नारियल डालें। इसे हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट। ये देखिए हल्का सा नारियल का कलर भी चेंज हो चुका है और सारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। इसे निकाल के एक अलग से प्लेट में रख दें। अब काजू, बादाम और मखाना ठंडा हो चुका है। पहले हम मखाने को ग्राइंड करेंगे, तो मखाने को मिक्सी जार में डाल दें और इसे सेमी क्रशर में दरदरा ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इस तरह पाउडर तैयार हो जाएगा। अब एक बाउल में निकाल दें। इसी तरह काजू और बादाम को भी दरदरा ग्राइंड कर दें। ये देखिए ये भी ग्राइंड हो चुका है। अब इसे भी मखाने वाले बाउल में डाल दें। ऊपर से सीखे हुए मगजतरी के बीज, किशमिश और नारियल डाल दें। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाल दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बस मैंने 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाल के इसकी चाशनी बनाई। ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट में इसमें उबाल आ चुका है। हमें इसे और गाढ़ा करना होगा। जितना मैंने आज का मेजरमेंट लिया है, ये बर्फी ना बहुत ज़्यादा मीठी बनेगी ना बहुत ज़्यादा फीकी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अपना एक मिठास रहता है। मैंने शक्कर सिर्फ 1 कप ली है। आप चाहें यहाँ पर 1/4 से 1.5 कप शक्कर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आज सिर्फ 1 कप शक्कर। चाशनी मेरी गाढ़ी हो चुकी है, चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए इस तरह से पतली एक तरह की चाशनी चाहिए, इससे गाढ़ी ना करें वरना आपकी बर्फी बहुत ड्राई बन जाएगी। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून खसखस डालेंगे। आप यहाँ पर खसखस जैसे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते हो उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन चाशनी गर्म है तो खसखस भी रोस्ट हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने गैस बंद कर दिया है। आप सारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर इसमें डाल देंगे और फटाफट से इसे मिक्स करेंगे। जैसे आप मिक्स करते हो आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगता हो तो आप 2 टीस्पून जितना पानी डालें और इसे मिक्स करते रहें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी चाशनी बराबर नहीं हो तो ये ड्राई होगी। चाशनी अगर बराबर हो तो ये परफेक्ट रहेगा। बस ये मैंने मिक्स कर दिया है। तुरंत ही इसे ग्रीस की हुई थाली में ट्रांसफ़र कर दें। आप इसे हल्का सा ठंडा होके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी चॉइस है। अगर आपको लड्डू बनाना हो तो आप लड्डू बना सकते हो। अगर आपको इसकी चकती बनाना हो तो चकती भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी चकती एकदम सॉफ्ट स्मूथ एजेस वाली नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स दरदरा पीसे थे। बस हमें इसे 1 घंटे के लिए सेट करने रख देंगे। थोड़ा सा मिक्सर मेरा बच गया था। आप चाहें इस मिक्सर के इस तरह छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो। सेट होने के बाद इसे नाइफ से पीसेस कर ले और ये हमारी मेवा पाक तैयार हो चुका है। इस जन्माष्टमी पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपीज़।